हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। कैसे हो आप सभी? सभी ठीक होंगे, सभी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है, आप बहुत अच्छी स्टूडेंट्स सीख रहे हो। जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं उससे हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो हम सिखा रहे हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि अपना जो स्टेनो के अंदर सेशन चल रहा है इम्पोर्टेंट शब्दों का, जो इम्पोर्टेंट शब्द है हर डिक्टेशन में है, जो आते ही आते हैं, यूज होते ही होते हैं, मैं वही इम्पोर्टेंट शब्द आपको करवा रही हूँ और उसी की सीरीज चल रही है अपने पास। तो सेशन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन आप जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर जो अभी राजस्थान के अंदर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर, तो उसकी प्रिपरेशन भी है जो हम करवा रहे हैं। और मैं बच्चों आपको ये बात भी कहना चाहूंगी कि जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट का जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था वो उसी पैटर्न पर ही आधारित है, बस थोड़ा मैटर का रहेगा। उसमें पूरा लीगल मैटर आया था, इसमें थोड़ा नॉर्मल मैटर आएगा। तो हम उसकी प्रिपरेशन है जो अपने चैनल पर करवा रहे हैं और रोज डिक्टेशन भी डालते हैं, तो आप वो डिक्टेशन जरूर लिखिए, क्योंकि वो जो है जो हम डिक्टेशन डाल रहे हैं वो सारी की सारी परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित है। एफिशिएंसी, एक्यूरेसी सब चीजें बताएंगे और बाकी हमने पूरा सिलेबस है जो डिटेल में बना के बता के और पूरा समझाया हुआ है और उसके अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। तो आज का सेशन शुरू करें। हाँ जी देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आज किस टॉपिक में बात होने वाली है, कि आज वही क्वेश्चन वही शब्द अपन है जो लिखेंगे, मैं आपको लिखाना सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए किस तरह से, नाम है वाक्यांश, वाक्यांश है जो एक दो हो चुके हैं, ये वाक्यांश नंबर तीन है, ठीक है। और इसके अंदर जो है शब्द है अपने पास पहला ही, वाक्यांश वो होते हैं जिनके बगैर क्या होता है, अपना पूरा वाक्य है अधूरा होता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है, कुछ वाक्य का अंश है, उनसे क्या होगा कि आप इनका जैसे तीन चार शब्दों का मिलाकर के एक अंश बनता है, तो आप इनको एक ही कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे आपका क्या होगा, स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब सभी बच्चों ने सीख तो ली स्टेनो, ठीक है, सबने, मैंने भी 80% तक अपने चैनल पे करवा दी है और खूब सारे बच्चे 70-75 की स्पीड भी लिख भी रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने और अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो उनके लिए यही मैं सलाह दूंगी कि आप ये वाक्यांश है जो मैं ये सीरीज लेके आई हूँ कि आप हर डिक्टेशन के अंदर इम्पोर्टेंट शब्द जो मैं बनवा रही हूँ वो भी आप बनाइए, ठीक है। देखिए पहला ही अपना शब्द है, लिखेंगे बहुत से लोग। जहां मैंने आपको शब्द चिन्ह करवाए थे वहां मैंने आपको बहुत करवा दिया था, से करवा दिया था और लोग भी करवा दिया था, तीनों करवाए थे, अलग अलग कोड थे इसके, ये बहुत था, ठीक है, ये यहाँ पर इसका से हो गया और ये लोग लाए लेकिन, ठीक है, ये यहाँ ऐसे था। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ जोड़ के लिखेंगे, तीन बार पेंसिल चलाएं, है ना, तीन बार पेंसिल चलाएं, इससे अच्छा है एक बार में ही काम चल जाए अपना। तो ये देखिए यहां से बहुत से लोग, इस तरह से अपना ये शब्द बन जाएगा, बहुत से लोग, बहुत अच्छा, बहुत भी का भी अलग से मैंने शब्द चिन्ह में अच्छा का भी है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, देखिए ये अपना बन गया यहाँ तक बहुत और ये बन गया अच्छा, क्या बन गया, बहुत अच्छा, आप यहाँ तक बहुत लिखा और ये बन गया अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा में अपन क्या करेंगे, देखिए ये तो बहुत है और ये अपना ज्यादा बन गया। अब आप कह दो मैडम ये ज्यादा किधर से बन गया जी, इसमें तो ना जय ना यह ना दे। देखिए मैंने अपने पिछले सेशन में भी सबको बताया है कि जो स्टेनो के अंदर जय है उसको स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जहां जय आए आप उसको स का आंकड़ा बना सकते हो। तो यही काम किया हुआ है यहाँ पे, ये बहुत है और ज्यादा के लिए मैंने जय यूज कर लिया, ठीक है, इसको बना लिया जय का स, बहुत ज्यादा, आप भी ऐसे बना सकते हो। देखिए सबसे पहले, सबसे पहले में क्या होगा, ये देखिए ये हो गया अपना सब, ठीक है, सबसे, और ये हो जाएगा अपना पहले, ठीक है, सबसे पहले,
इसी के साथ ही हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे और ये पैर और ये ले, सबसे पहले। अब देखिए, अब आप कहो कि मैडम इधर से क्यों नहीं बना सकते, आप इधर से भी बना सकते हो। ये लो सबसे पहले, दोनों ही सही हैं। आप इधर से चाहे इस तरह से बना लो, ये भी सही है और ये भी सही है, सारे ही सही हैं। बस आपको लिखना आना चाहिए और जिस स्पीड से अपन लिख रहे हैं वैसे अपनी आउटलाइन बन जानी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा में क्या होगा, ये सबसे तो है आपके पास, ठीक है, सबसे है और ये बन गया बड़ा, ठीक है। ये देखिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, ये भी सबसे बड़ा, ठीक, दोनों ही सही है। सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ी आ जाए तो ये देखिए ये सबसे बड़ी बना देंगे, ये लाइन को काट के चली जाएगी तो ये बड़ी बन जाएगी, ठीक है। सबसे बुरा, बुरा बहुत का मैंने आपको कोड करवा दिया था, अब यहाँ क्या है सबसे बुरा, तो ये देखिए ये सबसे और ये बुरा बन जाएगा। अब आप कह दो कि मैडम ये इधर से इधर क्यों नहीं बनाया, तो भाई इसके अंदर ले का आंकड़ा लग गया और यहाँ क्या है रे का है, तो अपन ये ही बना सकते, ये नहीं बना सकते, एक ही बनाएंगे। सबसे बुरा, देखिए सबसे बुरा यहां तक ही बनाएंगे, ठीक है, सबसे बुरा। और अगर आगे सबसे बुरी, तो ये सबसे बुरी यहां तक बन जाएगी, यहाँ रे का आंकड़ा है जो इसके साथ लग जाएगा और ई है तो यहाँ लाइन कट के चली जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छा, देखिए ये बन जाएगा सबसे और ये बन गया अपना अच्छा, सबसे यहां तक अच्छा बन जाएगा, सबसे अच्छा, ये भी सबसे अच्छा है, ये भी सबसे अच्छा है, ये भी सबसे अच्छा है। ये देखिए मैंने अच्छा का जो कोड बनाया है वो किस तरीके से ऐसे बनाया हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे करके और जैसे है बनाते हैं ना, ऐसे कुंडी सी बना देंगे, ये है इस तरह से नहीं बनाया हुआ, ये नीचे से इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे अच्छी अगला जो आ गया वो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी, ये ई की मात्रा लगी, सबसे और ये अच्छी और यहाँ पे मैंने लगा दी मात्रा, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं। हाँ जी, अगला शब्द अपने पास एकाएक, एकाएक लिखेंगे लाइन के बीचों बीच, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखे, नॉर्मल लाइन से क्या करेंगे, अगर छोटी लिख दी तो कम क्या किया में से बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जहां शब्द चिन्ह करवाए हैं वहां कम क्या यहाँ इस तरह से करवाया है, ये कम और क्या है, थोड़ा सा आप इससे बड़ा बना लो तो ये क्या बन जाएगा, एक का एक बन जाएगा। अगर यहाँ बना देते हैं तो एकदम बन जाएगा और यहाँ बनाते हैं तो इकट्ठा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ एकदम यहाँ इकट्ठा। अगला है समय समय पर, समय समय पर, तो देखिए समय मैंने यहाँ बीचों बीच लिखेंगे और ये समय समय पर, समय समय पर, ठीक है, बात बात में, बात बात में, बात बात में आप बीच में बोलते हो, बात बात में आप चिढ़ जाते हो, है ना, तो ये भाषण देते हुए, भाषण देते हुए, उत्तर देते हुए, है ना, इनको देखिए भाषण कैसे लिखेंगे, ये अपने लिखा भाषण देते हुए, क्योंकि मैंने आपको हुए कैसे कराया है, हु ऐसे कराया है, है ना, हु को लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखना है और यहाँ लिखा तो है हो, इनमें से कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो हु लिखना है इसलिए बिल्कुल सीधा बनाएंगे, ये तो अपना बन जाएगा, ठीक है, ये न और स का दोनों का आंकड़ा बन गया और ये देते हुए, बिल्कुल सीधा बनाना है और थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना है ताकि है लगे, ठीक है। उत्तर देते हुए, अब भाई उत्तर है, उत्तर में बड़ा उत्तर बनाएंगे और देते और ये हुए, ठीक है, उत्तर देते हुए इस तरह से बन जाएगा उत्तर। अगर आप इतना बड़ा लिखते हो ना, अगर लिखते हो उत्तरोत्तर तो ये उत्तरो, ठीक है, और अगले वाला उत्तर, इस तरह से बन जाएगा, इसलिए कभी भी उत्तर प्रश्न में लिखो तो ये उत्तर इतना बड़ा बनाना, ठीक है, और ये प्रश्न से काट देना, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से बन जाएंगे शब्द, तो ये इनके हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देते हुए कहा, अब इसमें क्या आ गया, देते हुए कहा,
देते हुए में क्या हो जाएगा, ये तो अपना हो जाएगा देते, ये हुए और ये कहा, है इसलिए इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये बड़ा चाप बनाएंगे, इसका मतलब है इसके अंदर क्या है देते हुए कहा, कै साइलेंट रहेगा। अब देखिए भाषण देते हुए तो आपने सीख लिया, अब आपने क्या लगाना है, कहा, या भाषण देते हुए कही बातों का मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, विचार विमर्श कर रहा हूँ, जो भी आगे इसके लाइन आएगी वो आप देख लेना, भाषण देते हुए कहा। अब ये अपना बन गया भाषण, ठीक है, ये देते, ये हुए और ये हो गया अपना कहा, भाषण देते हुए कहा। द्वार से फिर देखिए इस तरह से बनाना है भाषण, ठीक है, और ये नए नहीं बनाना, देते हुए कहा, ठीक है, ये अपना बन गया देते हुए कहा, भाषण देते हुए कहा, उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, उत्तर में उत्तर बड़ा बनाएंगे, ठीक है, उत्तर देते हुए कहा, इस चीज को यहाँ इस तरह से है बनाएंगे, उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, पहले पहल, पहले, ठीक है, और ये पहल, इस तरह से बन जाएगा पहले पहल, पहले ही से, ठीक है, जो भी कोई घटना घटती है या फिर हमें पहले से ही पता था, हमें पहले से ही अनुमान था, तो ये चीजें वहां अपने को इसको यूज करेंगे, पहले ही, और ये हो गया से। मैंने बताया ही को आपने इस तरह से लिखना, जहां मैंने शब्द चिन्ह करवाए, अगर आपके ही आता है तो सिर्फ और सिर्फ ही को क्या करना है, ऐसे जीरो बनानी है, बिल्कुल छोटी सी हिसाब से, ठीक है, लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ये ही बन जाएगा। अब क्या कर दिया, पहले तो यहाँ आपके पास है ही, ठीक है, ही से जोड़ दिया, है ना, तो पहले ही से, पहले ही से, दोनों तरफ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही से दोनों ही सही है, ठीक है। पहले से पहल, अब क्या करेंगे, पहले से पहल, तो अपने पास पहले से तो है ही और ये पहल बन जाएगा, पहले से पहल, ठीक है। उपस्थित, देखिए अब इसमें क्या आ गया, पीछे सत सत वाला जो मैंने आपको रूल करवाया था, जहां इम्पोर्टेंट जहां मैंने आपको गोल्डन रूल के नाम से एक दो सेशन लिए थे उसके अंदर, और वैसे भी अलग से वीडियो बनाकर भी मैंने बताया था कि सत सष्ट वाला जो है रूल है वो कैसे होगा, उसके अंदर यही लगेगा, ठीक है। जहां मैंने आपको उपसर्ग करवाई वहां मैंने आपको उप लिखना सिखाया, और जिसके अंदर सत षट षट का यूज होता है वो भी सिखाई। तो अब देखिए क्या कर दिया, उप तो लग ही जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा स्थित। अब ये बन गया उपस्थित, ठीक है, ये सत सत का चाप लग गया, ठीक है। अनुपस्थित का देखिए, अनु भी मैंने उपसर्ग में सिखा दिया था, उपस्थित आपके पास है तो ये देखिए ये बन गया अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित बन गया। आरंभ, आरंभ में क्या करेंगे, ये र बनाएंगे उल्टा ऊपर वाला, और ये भय बनाएंगे इस तरह से, र ऊपर वाला, सबको पता है कि र दो तरह से होते हैं, एक र ऐसे लिख सकते हो, एक आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये जो र है ऊपर वाला है थोड़ा बड़ा बनाएंगे और ये बन गया आरंभ, है ना। बतौर नमूना, बतौर नमूना में क्या कर देंगे, बतौर में इतना खींचेंगे और ये न, मैं और मैं बन जाएगा, ये बन गया बतौर नमूना, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए अपने पास है उद्योग धंधा, है ना, कोई भी उद्योग धंधा शुरू करना है हमने, उद्योग धंधा में क्या कर देंगे, ये बनाएंगे उद्योग, अगला बनाएंगे धंधा, इस तरह से लिखेंगे उद्योग धंधा। अगर आज ये उद्योग धंधों तो क्या करेंगे, ये उद्योग आ गया, ठीक है, और ये लगाना है धंधों, तो ये जीरो लग जाएगी। मैं जहां भी बहुवचन आते हैं बताते हैं कि बहुवचन आ जाए, कहीं प्लूरल आ जाए तो क्या करना है, आपने जीरो का यूज करना है, इस तरह से छोटी जीरो लगानी है। हाँ जी, कदाचित, कदाचित, कदापि, कदाचार हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ये देखिए कदाचित, ये कदा और ये हो जाएगा अपना चित, कदाचित इस तरह से लिखा जाएगा। कदापि, ये देखिए ये कदा और, ठीक है, और ये बन गई पी, कदापि। कदाचार,
कदाचार में क्या कर देंगे, ये कदा बन जाएगा और ये चार बन जाएगा, कदाचार, कदाचारी भी आता है, कदाचारी आ जाएगा, तो ये लाइन को काट के चला जाएगा, ठीक है। और ये री आ जाए, आ जाए, अच्छा ये कदाचार आ गया, चार आ गया, तो यही क्यों मैंने यहाँ इसकी आउटलाइन है जो बंद कर दी, आगे तक क्यों नहीं लेकर गए, जहां मैंने आपको मात्राएं करवाई है वहां मैंने आपको इस चीजों को अच्छी तरह समझाया है कि लाइनों के बीच में अगर यहाँ लिख देते हैं तो कुछ और शब्द बन जाएंगे, यहाँ लिखते हैं तो कुछ और यहाँ लिखते हैं तो कुछ और, जो मात्राएं होती हैं वो इस तरीके से डिलीट हो जाएंगी और मात्राओं का कोई नियम ही नहीं रहेगा, बस लाइनों के यहाँ वहां लिख के अपना काम चला लेंगे और मात्राएं नहीं रहेंगी। जिन बच्चों ने जहां मैंने मात्राएं सिखाई है अगर वो सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वो देख लीजिएगा, तो यहाँ आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि मात्राएं आखिर गई कहाँ, है ना। क्योंकि क्योंकि मैं देखिए मैंने आपको क्यों लिखना सिखाया था, ये अपना बन जाता था क्यों किन, है ना, किन किन तो था लाइन के ऊपर और क्यों था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि लिखना है तो क्या कर देंगे, ये क्यों और ये बन गई की, क्योंकि इस तरह से क्योंकि, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, कै को की वाले कै को छोटा ही बनाना है, ठीक, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक शब्द जो हर वेकेशन के अंदर अपने पास काम आते ही आते हैं, और ये जो मैंने शब्द बनाए हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, वैसे सभी मेहनती ही हैं, कुछ आलसी भी होंगे, तो इसकी जो पीडीएफ है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को हमारे को, और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है 70 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, और हिंदी के अंदर है, और इसी की इसकी पूरी डिटेल है जो हमने हमारे चैनल के ऊपर अलग से वीडियो बना करके अच्छे से समझाया हुआ है कि इसके अंदर एज कितनी चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, सारी चीजें बताई है, तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अभी राजस्थान के अंदर RSM SSB वाली भी स्टेनो की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले ही आ जाए अपने पास उसका नोटिफिकेशन, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे आएगी, ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आएगी, तो अच्छी खासी स्पीड भी चाहिए अपने को, और ये है जो 70 वर्ड पर मिनट की आ रही है, और हम हमारे चैनल पर इसकी पूरी प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, तो आप हमारा स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत।